जय हिंद जय भारत। चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, जो हमारी रीट संख्या 55/80/2021 जुलाई तीसरे हफ्ते में लगा हुआ है। फाइनली इस पे बहस भी हो गई है, पूर्ण हो चुकी है, मान भी सब लिया है। वही समीक्षा याचिका में लटका लिए थे, 3 डेटे ले लिए थे। इसके बाद चौथे में जब आए थे तो सप्लीमेंट्री लिखित के रूप में मांगा। जब मजबूरी विभाग सरकार के पास आ गई तो सुप्रीम कोर्ट से मांगा। समीक्षा याचिका होती है जो 2015 का, वो 2023 में भारत सरकार के सलाहकार अजय भल्ला जी के द्वारा एक या समीक्षा याचिका डाल दी जो लेट गए। समीक्षा याचिका 1 महीने के अंदर वही रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई होती है, वो भी नहीं हो पाई। कई साल हो गए, वो स्वतः 1 महीने की होती डेट उसकी, 1 महीने में सुनवाई हो गई। उन्होंने 1 महीने बाद नहीं सुनवाई तो स्वतः वो समाप्त मानी गई। अल भल्ला साहब पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों को लिखा था जो इसमें शामिल होना चाहता है और वो राज्य शामिल हो, सभी राज्यों के लेटर जारी किया था। तो इसको हमारा उत्तर प्रदेश उसमें नहीं पहुंचा और बहुत राज्य नहीं, उसमें बहुत मामला था। ये सबके सब नंगे उहार हो जाते अगर चले जाते। उसमें एक हमारे दिल्ली के पीसीए हैं तो 1962 में जैसा केस था, सभी आवेदनिक थे तो उनकी मांग थी या तो सभी परमानेंट किए जाए, फिर होमगार्ड के 19 काम सेवा में जोड़ा गया अलग। जब विभाग वही देश वही कानून एक तो फिर सब हो गए तो होमगार्ड को क्यों न किया जाए, और ना किया जाए तो सबको 1962 तरीके कर दिया जाए। इसलिए पड़ी लकड़ी कोई राज लेना नहीं चाहा, जानते थे या तो हो जाएंगे या तो फिर सबका नहीं तो हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि वो सब लिख के आ गया है, सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाया है राज्य सरकार को विभाग को कि ऐसी वो 1 महीने के होते तो ऐसा क्यों कहा गया। दूसरा हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि कानून के जानकार होते हुए ऐसे केसों को रोका जाना बहुत गलत है, जिसको तत्काल निस्तारित किया। वो भी जब लिख के आ गया सुप्रीम कोर्ट तब सरकार और विभाग लगाया नहीं, हम उस याचिका में शामिल नहीं हैं। तो आपको होना निश्चित है, 100% होना अनिवार्य है। और ये याचिका नहीं तो नहीं तो 2 महीना पीछे जजमेंट आपका हो गया होता। तो कोई ना कोई आड़ लेके ये लोग लंबित करने का कोशिश करते हैं विभाग और सरकार के द्वारा, लेकिन अब नहीं चल पाएगा, अब सब पूर्ण हो गया है। और देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, जो सच होता है वही बोलता हूँ, वही मैं हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में, उस हफ्ते में ऑनलाइन द्वारा कहे किसी दिन ऑनलाइन 24 घंटा पहले दिखने लगेगा डेट इस दिन लगी है। तो आप विश्वास रखिए, अभी तो आपका 8,500 रुपया कम मिल रहा महीना, और एरियर भी बन रहा 6.5-6 लाख। तो हम पूरे प्रदेश के जवानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। और बहुत लोग कहते हैं अरे खुद नहीं, अरे जो अध्यक्ष बनाया गया, मुखिया बनाया जाता है घर का, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसके पर कोई कठिनाई गुजरे उसको उस कठिनाई को पार करते हुए उसको अपनी प्रजा अपने जवानों के लिए वो समर्पित रहता है और वही असली अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तो ऐसे हम रजिस्टर्ड हैं लेकिन जो काम करके दे वही कहते अपनी नौकर। अरे हमें जब टारगेट किसको बनाते हैं मैदान में संग्राम में, जो मुखिया होता है फौज, जब मुखिया मारा जाता है तो फौज तो हथियार डाली देती है,
तो हमें चिंता नहीं है, उन लोगों को कितनी चिंता है कि खुद को नहीं बर्खास्त वो कर पाते हैं बहाल। हमारा लगा है वो भी आ रहा, ये ऑनलाइन सुनवाई उसमें जब डाल दिया था तब हो रही थी, और उसमें विलम्ब होता है वो भी होगा, और होगा या ना हो मैं कोई वैसा नहीं हूँ किसी के साथ घटक्रम करूँ, मैं आया हूँ एक इतिहास बनाने आया हूँ। तो आप विश्वास रखिए अगर मेरे पर विश्वास, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो काम को नकारते हैं, काम कर भी नहीं पाते हैं, वो काम करने में आगे घोड़ा बनते हैं, इनको सबको जब करो उपाध्यक्ष करो अध्यक्ष झूठे शर्म नहीं लगती है इन लोगों को। ये लोग वही वैतनिक स्टाफ के चमचे लोग हैं, खा रहे हो वैतनिक के खिला रहे हैं, जवान को लूट रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इनको लोगों को पूरे प्रदेश को जवाब देना चाहिए, ऐसे लोगों की कैंसर बीमारी है समझ लो आप लोगों के, ये आपके नहीं है, ये आपसे मीठा बोलते हैं लेकिन कार्य अपने बच्चों के लिए किए हैं पीछे, धरना दरवाए सौदा कर लिए, फिर लाठी करवाए, फिर बर्खास्त हुए, फिर सौदा कराए ये लोग, तो ये तो आपके लिए गंभीर नहीं है, ये अपने लिए गंभीर है, अपने बच्चों के लिए गंभीर है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है, उनके कुछ चमचे हैं जो बराबर हर काम को मेरे नकारते हैं, और आप लोग देख लीजिए अभी तक जो भी मैंने किया है, जो भी मैं बोलता हूँ, चाहे सरकार हो चाहे विभाग भ्रष्टाचार हो, मैं साक्षों के साथ बोलता हूँ, हाई कोर्ट लगा है मैं कागज लगा के देख रहा हूँ, और देखने इतने झुठलाने वाले और तमाम अभी इस पर टिप्पणी करना चालू कर देंगे। तो जुलाई आने वाली है और ईश्वर चाहेंगे जुलाई में आपको ईश्वर खुशियाँ देगा। और रही बात भर्ती की, भर्ती इसलिए मैं तीर घोषणा कर दिया हूँ, मैं काम करता हूँ और ताज पहनने वो लुटेरे चले जाते हैं, जैसे पिछले में मुकेश द्विवेदी कहीं से रीड में नहीं था, वहाँ गया माला पहना, पूरे प्रदेश में दिखाया और लूटना चालू किया और अपने पद अध्यक्ष घोषित करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई बनावटी फूल में खुशबू नहीं आता, कत्ता सुंदर बन जाए, आती उसी से प्रगति के फूल से ही आती है खुशबू। तो ये सब वही नकली फूल हैं, ये सब तथाकथित लोग। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को तो जवाब देना, क्योंकि होमगार्ड जवानों को भ्रमित करते हैं, वो ना इस पार सोच पाता है ना उस पार सोच पाता है, ये ऐसा हड्डी डड़वा के वैतनिक और इनको आगे करके लड़वा रहा, और वैतनिक पूरी तरीके से खुल के लूट रहा है। अगर इनको करना है तो मेरे साथ क्यों नहीं मिलके कार्य कर रहे हैं, क्या इनको दिक्कत है, कोई दिक्कत है इनसे जवाब करिए। तो यहाँ लूटने खाने का इंतजाम है नहीं, क्योंकि जो पैसा होमगार्ड जवान का है वो उसके पे लगेगा और उसके हक की लड़ाई, उसको फायदा पहुँचाने का कार्य हम अभी तक किया करते रहेंगे। भर्ती इसलिए नहीं रुकाएं कि ये लोग हम अभी रुकाएं, अभी देखो झूठा लेटर पैड सब हम निकाले ले रहे हैं, और इनको सबको मैं कमांडेंट को फोन लिखता पत्र लिखता हूँ, इनसे मांगे अथॉरिटी कौन सी मुकेश द्विवेदी के पास है जो इनको अध्यक्ष बना दिए, और वो अध्यक्ष बन करके झूठा और जवानों को लूटा जा रहा है, दिखाएंगे। अभी सब लेटर इकट्ठा कर रहा हूँ, इनके खिलाफ बहुत तत्काल कार्रवाई शासन प्रशासन और कमांडरों को भेजता हूँ कि जांच की जाए, और दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये मैं लेटर भी बहुत जल्द लिखने जा रहा हूँ। तो भर्ती इसलिए नहीं, कुछ बहुत लोग हैं कहते हैं प्रदेश लूट लिया, मैं कौन जिले मांगने आया हूँ आप लोग बता सकते हैं, जो लोग अपने एसोसिएशन पर लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं, जो लोग मीटिंग में आते हैं अपना दिए तो ठीक, नहीं दिए तो ठीक, हम कौन जिले में मांगने गए लूटने गए ये बताएं। तो ये लोग हमारे होमगार्ड जवान भी ऐसा बोल देते हैं कि दिल दुखा दिए, आत्मा रुला दिए, और कभी एसोसिएशन पास आते नहीं, और हिसाब वही मांगते हैं जो अभी तक एक रुपए का चंदा नहीं दिया है। तो अभी मैं और कहना चाहता हूँ, ये वेरिफिकेशन हो रहा, आईडेंट हो रहा है,
शपथ पत्र लग रहे हैं जो सूची में, अब तक बाई नेम मुकदमा ये पड़ा है, जैसे दिल्ली में 1433 का हुआ, और सारा कुछ उनको पुलिस मान लिया और 60 साल तक वो नौकरी, और जो पुलिस पाती है वही उनको सबको प्राप्त होगा, और 60 साल तक नौकरी करने का आदेश कर दिया उसने 1433 को। अब सब दौड़ रहे परेशान हैं कि हमारा अब पछता रहे, उनको जीवन भर पछताने के अलावा और मिलेगा क्या उनको? यही अब उत्तर प्रदेश में है, जो लोग जान नहीं बैठे इनका हो जाएगा तो फिर अब वो बैठे रहेंगे और पछताने के अलावा और उनके पास कुछ आधार नहीं होगा, जीवन भर पछताएंगे। और अभी एक अवसर है, जो लोग आना चाहते हैं तो अपना आ सकते, इसी 55-80 में जुड़ जाएगी और वही फायदा मिल जाएगा, तत्काल मिल जाएगा, और जब फाइनल हो जाएगा तो फिर दूसरी रीड करना पड़ेगा, उसमें 10 गुना पैसा लगेगा और साल 2 साल 3 साल लगेगा टाइम। तो जो लोग मैं स्वच्छता से आ सकता आ जाए, और नहीं मैं किसी जबरदस्ती इसमें नहीं बुला रहा हूँ, जिसको पाना हो आए और ना पाना हो ना आए। और कुछ लोग हमारे इसी में सत्यापन में बैठे हैं, वो भी इतना बड़ा फायदा होने जा रहा और उनका जो खर्चा है वो देना नहीं चाहते, आखिरी मंजिल पर पहुंच करके अपना भविष्य नाश करने पर तुला है। तो हम क्या, हमें क्या है, जो आ जाएगा वेरिफिकेशन हम लिस्ट उठा के भेज देंगे। और असोहा में देखिए कंपनी कमांडर समेत विनोद 4 लोगों को भेज दिया है और नहीं भेजा, तो सोच लो बाकी जो बैठे हैं होमगार्ड, ये बाद में इनको पछताने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। जो रीड में भी है और सत्यापन नहीं हुआ तो वो भी आशा न करें, मेरा कहना यही है, जो सत्य है सही है, जिसका मन वो आए और जिसका मन चाहे ना आए। तो ये हमें एसोसिएशन को दोष नहीं दे सकते हैं। रही भर्ती, भर्ती जब पूरा प्रदेश सहमत होगा मेरे लिए, आवाज उठाएगा, तो मैं मजबूर हूँ कि खुद इसका रुकाने का कार्य करेंगे, अन्यथा लेटर झूठे डाल रहे हैं वो कल चिल्लाएंगे कि देखो मैंने रुकवा दिया। तो पहले उनका प्रदेश में कौन ऐसा है, मैं भी देखना चाहता हूँ, हाँ ही भरे जिम्मेदारी ले मैं भरते रुकाना जा रहा हूँ, मैं उसका सहयोग करूँगा, जाए रुकाए, और नहीं तो 42,000 भर्ती होने के बाद बेरोजगार होने के लिए तैयार रहो, बड़ी मिन्नत में 2-4 महीना मिलेगी ड्यूटी, उसके बाद दूसरा रोजगार होगी, पुराने दिन पीछे लौट जाइए। ये आप लोगों की प्रदेश में सोच है, इस वजह से पीछे जा रहे हो ना, हम तो आगे बढ़ाने का इतना कार्य कर रहे हैं कि हम इनको बुलंदियों पर बैठाने के जवानों का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन होमगार्ड की इतनी विचार गंदी है कि उसका उसका कुछ जातिवाद में डूबे हैं, कुछ जातिवाद को लेके अपना बर्बाद दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। तो वही कुछ भड़काने वाले, अरे बैठो जो हो सबका होगा हमारा होगा, तब तो बाई नेम है सबका, बाई नेम सबकी कोर्ट फीस है और कालरनामा साइन है, सबका फोटो है, सबके साइन है वह कालरनामा, तो पाएंगे वो पाएंगे, पा जाएंगे ये, जो फ्री क्या चाहते, एक बार 1,18,000 लिखा दिया सबको फायदा हुआ, और ना लिखाए होते तो रामनाथ तुमको बेच चुका था, यही मुकेश दुबी सौदा हो चुका था, ये ना पदाधिकारी थे ना कुछ, उस इनकी एसोसिएशन में इनकी भी गिनती है। तो अगर एसोसिएशन नहीं होती तो तुम्हारा हमेशा हमेशा का आपका बंद पिटारे में आपकी जिंदगी बंद हो जाती, कभी नहीं पाते। तो एसोसिएशन के होते हुए हम लोगों ने बचाया, बचाने का कार्य किया, आपके खुश घरों में खुशियां देने का कार्य किया, फिर भी आप लोग आरोप सच्चाई को पहले जान लिया करो। मैं किस तरीके लड़ा हूँ, कितना लोग चंदा देते हैं मैं ही जानता हूँ, 99-98% नहीं दे रहे, 2% दे रहे हैं, जिससे लड़ाई घटता है, तो इस लायक है जो मैं लगाता भी हूँ, और कोई हिसाब मांगने आए मैं जो दिए हैं जो शामिल हैं, फोकट वाला नहीं आएगा जो आज तक 2 रुपया नहीं दिया चंदा, जो दिए हैं उनका हक अधिकार है, मैं 1-1 रुपये का हिसाब दूंगा, और जब बढ़ जाए तो मुझे दे देना, पूरा कर देना जो पैसा
लगा है कहीं से, मैं नहीं लगाया, कोई लगाया, चलिए तो वो फिर देना होगा। मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ, गलत कोई बोलता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, और बर्दाश्त वही करता है जो खा के ढकर जाता। मैं सच बोलता हूँ और सच का नकारता है तो मैं कड़वा भी बोलता हूँ, कड़वा कभी नुकसान नहीं करता लेकिन मीठा हमेशा जानलेवा बन जाता है। ये सोच लो, मैं सच आप लेके लोगों के लिए हक अधिकार और इन आज़ाद भारत में जो आप हैं आपको बेड़ियों से मुक्त करा के आपको आज़ाद भारत में आप भी महसूस करेंगे कि हम आज बेड़ियों से मुक्त हो रहे हैं। आपका सब कुछ, रिटायरमेंट में भी बिहार दे रहा 1.5 लाख, तो जब 1.5 लाख मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में तो हम लेटने की जगह हो जाएगी, बैठने तो लेटने की जगह हो जाएगी। पहले कितना पैसा मिलता था, आज कितना मिल रहा, तो कुछ तो वो कागज़ निकाले दे रहे। EPF वाला नाश कर दिया कसाना ने, और नहीं बजट समय पास हो जा रहा है, बजट मांग लिया गया था कमिश्नर उत्तर प्रदेश मांग उसको करके मंजूरी देके, कितने अरब कितने करोड़ कितने लाख कितने हजार रुपया मांगा था, वो कागज़ है मेरे पास, और ये जाक वहाँ रीड कर दिया। रीड नहीं, उस बजट का जो मांगा था उसका चैलेंज करना था, और अब तक शायद मेरे हिसाब से ये जीत हो गई हो तो EPF कटना चालू हो जाता। तो जिसको बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम और हाथ हाथ डालता है सर्प के बिल में, तो उसकी मौत तो रखी है। तो जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, तो वो भी बहुत मीठा आदमी है, मीठा से होशियार रहिए, कड़वा तुम्हें कभी नुकसान नहीं करेगा। बोलने वाले तमाम है, मोदी को नहीं बख्शे, भगवान को नहीं बख्शे इंसानों ने, तो हमें क्या बख्श देंगे। लेकिन इस बार पीला है इसलिए भर्ती पर मैंने इनकार कर दिया है, और जब पूरा प्रदेश आवाज उठाएगा तो फिर मैं सोचूंगा और आगे करूंगा और भर्ती नहीं होने दूंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग 15 तारीख बैठक करता हूँ इसीलिए कि अपने अपने जिला की जो परेशानी आप बताएं, लिखित दें, ताकि भ्रष्टाचारियों को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। हम बोलते हैं कोई आवाज़ नहीं बनता, आवाज़ें बन जाओ पूरे प्रदेश तो ये औकात माँ के काम पूरे ये भ्रष्टाचारी काम करेंगे और आपके न्याय हित में होगा। तो आप खुद समझदार हैं, हम क्या समझें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।